मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और मॉर्निंग के टाइम में हम लोग बिजनेस के जो भी अपडेट्स हैं सारे वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और डेली गाइडलाइन आपको करते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आपको आगे जाके काम आता है आपके बिजनेस करने में या बाकी चीज़ों में। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले जो गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड से ही हम लोग अपना मॉर्निंग का शुरुआत करते हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है या गोल्ड में मान लीजिए कैसे जा सकता है। तो गोल्ड आपने जो देखा था अभी तक, आज का जो गोल्ड का प्राइस है 24 कैरेट का है 7,616 24 कैरेट का। उसके बाद आपका 22 कैरेट का है 6,981 और फिर 18 कैरेट का 5,712। ये जो है ये गोल्ड का प्राइस है आपका मार्केट में। और सिल्वर का जो रेट है वो है आपका 92,900। सिल्वर में कोई ज़्यादा चेंज या बदलाव नहीं आया है, क्योंकि सिल्वर का प्राइस लगभग समझिए तो एक ही जैसा है जैसा था, मगर बाकी चीज़ों में बदलाव आया है। गोल्ड में भी बदलाव आया है, गोल्ड जो था आपका 7,592 था 24 कैरेट का, 22 कैरेट का 6,959 था और 18 कैरेट का 5,694 था पिछले दिन। और आज इसमें काफ़ी चेंजेस आया है जो आपको हम लोगों ने बताया, क्योंकि चेंजेस देखिए आना ही है और चेंज आएगा। मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो चेंजेस आना कोई बड़ी चीज़ आपके सामने मुद्दा नहीं है। इसके अलावा जो शेयर्स और बाकी चीज़ों पर कुछ बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है आज के लिए काम करने के लिए। सबसे पहले कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपको न्यूज़ बन रहा है। सबसे पहले देखिए आपको जेफरी का रिपोर्ट आ रहा है कि मार्केट जो इंडियन मार्केट जो है इक्विटी मार्केट वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, क्योंकि ये लोग सारा डिस्कशन करके ही मान लीजिए रिपोर्ट वगैरह लाते हैं। दूसरा एक बाकी इस पर चर्चा करते रहूँगा, शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। दूसरा एफएनडो पे जो नया रिपोर्ट आया है कि 93% लोग जो हैं पैसा लूज कर रहे हैं रिटेलर, और 7% जो फॉरेन ट्रेडर हैं या DII हैं वो पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद PNB पे न्यूज़ है कि PNB 5,000 करोड़ का QIP लेके आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, 5,000 का QIP लेके आ रहा है, यानी पैसा जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये कुछ मुख्य जो हैं आज के न्यूज़ हैं, जो मान लीजिए बेसिक न्यूज़ हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मार्केट का कोई न्यूज़ नहीं है। और आज मॉर्निंग से मार्केट में जो शेयर ट्रेंडिंग कर सकते हैं, यानी सेक्टर जो ट्रेंड कर सकते हैं वो है आपका मेटल में आज हो सके तो आपको अच्छी खासी तेज़ी मिल सकती है। और इसके अलावा थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि NTPC कोल इंडिया इन सब पे भी थोड़ा न्यूज़ है। बेल होल्ड पे रखिए सर, बेल बढ़ेगा। अभी डिफेंस रिलेटेड कुछ आप देख रहे हैं लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस है, अगर 2-3 महीने का तो रखिए, बेल में भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा रवीश जी। और इसके साथ ही मान लीजिए आज मार्केट में फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बाकी ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह भी यही आया है। और कुछ आपको बता देते हैं आज का जो रेजिस्टेंस और जो मान लीजिए आपका निफ्टी पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो चालू ही आपको रेजिस्टेंस में होने वाला है और रेजिस्टेंस पे ही दिख रहा है। देखिए डाउ जोन्स जो है US मार्केट का, उसका कल का जो था 61 पॉइंट प्लस में था, नेस्डेक 25 पॉइंट प्लस में था। तो हो सके मॉर्निंग में गैप अप के साथ ही आपको चालू होने को देखने को मिले। लगभग 26,000 के आसपास चांसेस है कि मार्केट आपको निफ्टी जो है चालू होने को दिख सकता है। और इसके अलावा निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है 25,956, 25,981 और 26,023। तो हो सके ये 26,023 के आसपास ही चालू होगा, तो आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट देख के उसके बाद इसमें काम कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कीजिएगा लॉस हो जाएगा। सपोर्ट जो है 25,873, 25,847, 25,805, इस पे जो है मार्केट का सपोर्ट है। तो ये आपको देख के रहना है सपोर्ट, क्योंकि देखिए एफएनडो में जो ये जो बताया ना कि आपको 93% लॉस, इसका कारण ही सही से स्टॉप लॉस या फिर मान लीजिए आपको कोई प्लान नहीं, मतलब कोई हेजिंग वगैरह नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग में मान लीजिए आप आए और ख़रीद के चले गए और फिर बेचने की तैयारी में लग गए, तो ये तरीके से काम करने से मान लीजिए आपको फ्यूचर में भी लॉस होगा। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आपको मौका चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए उस चीज़ को प्ले करने के लिए। अगर प्ले नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है।
इंडेक्स में भी कीजिए तो डिलीवरी में बाय कीजिए, वीकली 15 डेज ऐसे टारगेट लेके काम कीजिए, या 10 मिनट 5 मिनट या वन डे टर्म, ये आपको हमेशा नुकसान ही देगा। और इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ICICI HDFC सब में ग्रोथ है, तो बड़े बैंकों पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है आपका 54,189, 54,297, 54,472, और जो सपोर्ट आ रहा है 53,881, 53,733 और 53,559, ये जो है बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रहता है। बैंक निफ्टी में कल भी हम लोग ने बात किया था कि कहीं अगर आपको डिप मिलता है तो उस डिप को आप छोड़िए मत और डिप के अनुसार ही अपना काम कीजिए, तो कल जिन्होंने किया होगा उनको अच्छा मौका मिला होगा अर्निंग का। इसके अलावा ओला पे बात करते हैं, ओला पे मान लीजिए लगातार हम लोग आपको दिखाते भी हैं और आगे भी दिखाते ही रहेंगे, जिस तरीके से ये मेरा थोड़ा वो खुला हुआ था आपको ओला पे लेके आते हैं, क्योंकि YouTube का भी बहुत बार खुल जाता है चीज़ें। अब देखिए ओला में जो ये है किस तरीके से ओला किस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड पे लगातार देखिए काम करने के लिए दिखा रहा है और 108 पे अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 110, 115, 120, ये इसका अभी मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा और सपोर्ट इसका बनेगा 100, 95, 90। तो जो भी ओला में है थोड़ा सा आपको देख के काम करना है, क्योंकि ओला में कल न्यूज़ भी आया था